वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमिंदर मैथ्स हब आई एम है आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 का थर्ड क्वेश्चन फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दर सोल्यूशन बाय सब्सटीट्यूशन मैथड हमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स गिवन हैं उनके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और बाद में उन्हें सॉल्व करना है बाई यूजिंग सब्सटीट्यूशन मैथड सो ये जो मैथड है ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में यूज़ किया है अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है सो सेकेंड पार्ट में भी यही सेकेंड क्वेश्चन में भी यही मैथड यूज़ हुआ है और ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं इनमें भी यही मैथड यूज़ करके हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे सो so, अगर आपको मैथड को समझना है तो फर्स्ट क्वेश्चन के या फिर सेकेंड क्वेश्चन के किसी भी पार्ट को आप ध्यान से देख सकते हैं सो स्टार्ट विद दिस सेकेंड पार्ट नाउ ऑफ द थर्ड क्वेश्चन द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय एटीन डिग्रीज फॉइंट दम हमें दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की यहाँ पे बात बताई है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में ये जो बड़ा एंगल है वो छोटे से कितना ज़्यादा है 18 डिग्रीज फाइन तो हमें उन एंगल्स को फाइंड आउट करना है कि वो क्या एंगल्स हैं सो लेट ए स्टार्ट लार्जर और स्मॉलर की बात हुई है तो लार्जर और स्मॉलर एंगल्स को हम पहले लेट कर लेते हैं लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई अब ये दोनों एंगल्स जो हैं ये सप्लीमेंट्री हैं और हमें पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री यही होता है ना दो तरह के एंगल्स आपने छोटे क्लासेस में स्टडी किए थे सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री मींस जिनका सम होता है 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनका सम होता है नाइन्टी डिग्री फाइन सो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं अगर एक्स और वाई तो क्या होगा फिर एक्स और वाई का सम दैट इज़ इन दोनों के एडिशन क्या है वन डिग्री के इक्वल सो so, अब क्या करेंगे दूसरी जो स्टेटमेंट थी ये हमारी ये जो बन गई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एक और बात थी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या था जो लार्जर एंगल था वो कितना बड़ा था स्मॉलर से 18 डिग्रीज अब लार्जर कौन सा हमने लेट किया एक्स एक्स इज 18 डिग्रीज मोर देन द स्मॉलर एंगल ये लिखा हुआ है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एक्सीड मतलब वो बड़ा है स्मॉलर वाले एंगल से 18 डिग्रीज तो हमने लार्जर एंगल को लिख दिया छोटे वाले से वो कितना ज़्यादा है 18 डिग्रीज तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बन जाएगी ठीक है ये हमारी बन गई x ये y को इधर शिफ्ट करें वेरिएबल्स एक साइड पर होते हैं तो ये माइनस का y हो गया और ये बचा हमारा यहाँ पे 18 ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन फाइन अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं सब्सटीट्यूशन मैथड के साथ तो अब यहाँ पे दोनों इक्वेशंस जो हैं हम देखते क्या है सब्सिट्यूशन मेथड में कि दोनों इक्वेशंस में इजी कौन सी इक्वेशन है तो यहाँ पे दोनों ही मुझे इजी नज़र आ रही हैं ये थोड़ी सी सिंपल है यहाँ पे 18 ये जो छोटी सी वैल्यू है यहाँ पे तो हम यहाँ पे कोशिश क्या करते हैं कि x और y वेरिएबल में देखते हैं कि किस वेरिएबल का कोफिशेंट वन है तो यहाँ पर दोनों का ही वन है जिसका विडिये, जिस वेरिएबल का कोफिशेंट वन होता है उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर निकाली जाती है सो so यहाँ पे अब दोनों की ही कोफिशंट्स जो हैं ये वन है अगर साइन को इग्नोर करें तो तो यहाँ पे क्या करते हैं फ्रॉम टू x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं ये क्या बनेगा एटीन माइनस वाई उधर जाके प्लस का y हो गया एटीन प्लस वाई ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन इसको नाम दे देते हैं ये जो x की वैल्यू बनी इसे अब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे हमने सेकेंड इक्वेशन से में से वैल्यू निकाली तो फर्स्ट में पुट होगी जिस इक्वेशन में से वैल्यू निकलती है उसमें पुट नहीं करते हैं दूसरी इक्वेशन में जो दो इक्वेशंस में दूसरी इक्वेशन होती है उसमें पुट कर देते हैं ठीक है अगर यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे फिल करते यहाँ से निकालिए तो यहाँ पे फिल करेंगे फाइन सो एक्स की वैल्यू एटीन प्लस जो है ये अब यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स

और साथ में एटीन एज इट इज़ तो अब ये जो एटीन है ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे ये प्लस हो रहा है इसके आगे कोई साइन नहीं है मीन्स इसके आगे प्लस का साइन है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो टू वाई यहाँ पर रह जाएगा इज इक्वल टू वन एटी माइनस एटीन तो ये माइनस करके हमारा बन रहा है टू एंड सिक्स वन सिक्सटी टू टू वाई इज इक्वल टू वन सिक्सटी टू देन वाई और टू आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है सो so, अब ये टू क्या होगा उधर जाके यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 162 के साथ अब यहाँ पे कटिंग हो गई 81 वन टू इंटू एटी वन इज वन सिक्सटी टू सो वाई हमारा बन गया एटी वन तो एक एंगल जो है छोटे वाला जो है वो हमारा फाइंड आउट हो गया अब इसकी हेल्प से हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन जो हमने मार्क की थी x इज इक्वल प्लस वाई यहाँ से हमारा x एंगल भी फाइंड आउट हो जाएगा सो so, यहां से x हम क्या करेंगे पुट वैल्यू ऑफ y पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थ्री सो एक्स इज इक्वल टू एटीन प्लस वाई था और वाई की वैल्यू बनी एटी वन सो ये बन गया हमारा नाइन नाइन सो एक्स हमारा बन गया नाइन्टी नाइन दे आर फोर हम क्या लिखेंगे द एंगल्स आर द टू एंगल्स आर नाइन्टी नाइन एंड दूसरा क्या था एटी वन सो so, ये दो जो हैं हमारे एंगल्स आ गए और इसी के साथ ही जो सेकेंड पार्ट है ये कम्प्लीट हो जाता है अगर आपको कुछ डाउट्स आए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए और साथ ही मेरे चैनल को लाइक like और सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट जो आपको मेरी वीडियोस हैं वो टाइम पर मिलती रहे थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स